પ્રમાણે સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર. आम आदमी पार्टी द्वारा आज केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारी नीतियों और महंगाई के विरोध में रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया. बीजेपी सरकार पर उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर पैसा कमाने का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी द्वारा आज महंगाई के विरोध में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया. विरोध प्रदर्शन पार्टी कार्यालय औदिच्य धर्मशाला नई सड़क से दोपहर 1 बजे से शुरू हुई थी, जो नई सड़क बस स्टैंड सोमवारिया बाजार छोटा चौक आजाद चौक होते हुए फिर से नई सड़क से पार्टी कार्यालय पहुंचा. कार्यकर्ताओं से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, जिसमें ठेले पर गैस टंकी चूल्हा और घर का सामान रखा, दूसरे ठेले पर मोटरसाइकिल को हाथ ठेला गाड़ी से सींचते हुए बताया. आजीति के 73 साल के पेट्रोल डीजल की जो रिकॉर्ड तोड़ कीमतें 6 सालों में बढ़ी है, वह सरकार के विकास की नीतियों की धज्जियां उड़ा रही है. कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले साल से ही कोरोना संक्रमण के कारण जनता के काम धंधे व्यापार और नौकरी सभी खत्म हो चुके हैं. ऐसे में अब सरकार ने इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा है कि सब चीजों पर की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आखिर इतना टैक्स क्यों लगाया इस सरकार ने? टैक्स से आखिर सरकार कितना कमाना चाहती है? क्या लोग भूखे मर जाएंगे? लोग तरस कर जिंग जाएंगे, लाचारी में जिए? क्या सरकार यही चाहती है? आम वस्तुएं जो घर में खाने पीने में काम आती है, वह भी इतनी महंगी हो गई है कि आम इंसान घर का खर्च नहीं चला पा रहा है. बीजेपी सरकार में बैठे लोग अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे और कांग्रेस के फूल छाप नेता यह होने दे नहीं रहे. इससे समझ आ रहा है कि दोनों पार्टियां एक है, वह सिर्फ धार्मिक भावना भड़काते हैं और जीतते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने वाली नीतियां लागू करते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, स्पीड न्यूज 17. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शाजापुर नगर पालिका भ्रष्टाचार से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है. 300 करोड़ रुपए की नगर पालिका 120 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करती है. आप ये पैसा नगर पालिका में अगर लगता तो पूरा शाजापुर जो है विकास की दर के ऊपर होता. आज जो है हालात हम लोग देख रहे हैं नगर पालिका के, वो बहुत बुरे हालात है. इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि पूरी ताकत से 29 वार्ड हम लोग लड़ेंगे और नगर पालिका में अपनी सरकार बनाएंगे. तो जो आज की तारीख में महंगाई बढ़ी हुई है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और जो सरकार इस पर मनमाना टैक्स वसूल रही है राज्य और केंद्र दोनों से, इसके खिलाफ हमारे आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है और हमने इसको आगामी चुनाव को देखते हुए हमने इसको पूरे नगर में भ्रमण कर जनता तक में अपना मैसेज पहुंचाया है.